ये वीडियो क्लिप है 8 नवंबर का, जो गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा था तो मैं वहाँ गई थी। तो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स थी बट मैं कुछ भी ले नहीं पाई, बहुत सारे रीजन से इसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। तो बस मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट धनतेरस के दिन बाहर गई थी सामान लेने के लिए। तो शॉप में बैठ के थोड़ा सा शूट किया, बस टुकड़ों में ये शॉट शूट किया है मैंने। और ये है दिवाली के दिन का वीडियो, मतलब छोटी दिवाली का, जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को शॉपिंग हमेशा ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिनके घर में पैसे का अभाव हो, ताकि आपकी ख़रीदारी से उनके घर की दिवाली भी रंगीन हो जाए। बट डोंट वरी, मैं आपको दिवाली का मार्केट ना दिखाऊँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको दिवाली का मार्केट ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लोर करके दिखाऊँगी कि क्या मस्त पटना का मार्केट सजा था दिवाली से, मतलब रंगीन हो चुका था मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं। बट मैंने ये सिर्फ रिकॉर्डिंग आपकी शूटिंग के लिए की है। मैं हमेशा से ही छोटे दुकानदारों से, छोटे ख़रीदारों से सामान खरीदती हूँ, और आशा करूँगी कि आप लोग भी कोई भी फेस्टिवल हो तो ऐसे दुकानदार से खरीदिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झलक पटना के मार्केट का। यहाँ पूरा एकदम भीड़ है अंदर में, इतना ज़्यादा अंदर का भी आपको दिख नहीं रहा होगा, पसीने पसीने हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। और फर्स्ट कल दिवाली है तो भीड़ तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की शॉपिंग हो गई है, दिवाली की शॉपिंग जो भी थी मैंने कर ली है। अभी जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग करवाने, मेरा आईब्रो बहुत ज़्यादा पड़ गया है, बेकार लग रहा है, फेस एकदम गर्मी में लड़ लड़ के शॉपिंग हुई है। अभी निकलते हैं, जाते थोड़ा थ्रेडिंग करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। इतनी ज़बरदस्त गर्मी लग गई कि पहले थोड़ा आइसक्रीम खा ली, पूरा पसीने हो गए, पता नहीं मैंने फुल टी शर्ट क्यों पहना। हाँ एक ये वाला कौन, मुझे लगा कि ठंडी रहेगी बाहर में, बट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं। चल पहले आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। फाइनली किसको बोलते हैं इतनी गर्मी में सुकून। आज थोड़ा ट्रैफिक कम है, नहीं तो बाप रे बाप, कल तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि क्या ही बोलूँ मैं जी। तो मैं घर आ चुकी हूँ और आज है चुकी छोटी दीपावली, कल दीपावली है तो आज छोटी दीपावली होगी। तो मैं तो ऐसे शाम की पूजा करके गई थी, बट बोलते हैं ना छोटी दीपावली के दिन भी थोड़ा दीप और मोमबत्ती आप घर में ज़रूर जलाइए। तो बस मैं वही अभी जो खरीद के लाई हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी जलाने के लिए बाहर में। तो चलिए चलते हैं, इस दिए को सबसे पहले मैं तुलसी जी के पास जला के रखूँगी, और उसके बाद बाकी बाहर बालकनी में हम लोग कैंडल्स जलाएंगे, तो हमारी छोटी दीपावली इस तरीके से हम मनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दिया जलाते हैं। दिया जल गया है और हम कैंडल भी जला लेते हैं, और इसे हम बालकनी में रखेंगे अपने।
हाथ जल गया। दिवाली में अपने घर पता नहीं मुझे कितनी गर्मी होती है, देखिए सिर्फ कैंडल जलाने में इतनी गर्मी हो गई मुझे। तो बस मैंने कैंडल जला लिया है मार्केट रोड से, अब वो क्या करूँ, मैंने अपना थ्रेडिंग भी करवा लिया है। थ्रेडिंग करवाने के बाद ना बहुत रिलैक्स होता है। खैर अब चलते हैं रात का अपना खाना बनाने, और क्या सब खा पी लेगा, उसके बाद फिर रात में यम का दिया निकालना आप लोग मत भूलिएगा। आज जनक चतुर्दशी भी है तो रात में सबके खा लेने के बाद जब सभी लोग घर पे आ जाते हैं तो एक पुराना जो दिया होता है वो निकाला जाता है यम के नाम के, ताकि उससे उस घर में अकाल मृत्यु जो होता है वो नहीं आता है, यही आई थिंक मान्यता है मुझे जहाँ तक पता है। तो चलिए मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, या फिर कल। बहुत गाना चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, ऐसे बोल के हम सब सॉरी हो, मैंने कुछ भी सुबह से शूट नहीं किया, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मैं इधर सीढ़ी के साइड में आई हूँ, फिर भी आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इससे पहले ही कॉपीराइट आ जाए मैं अभी रखती हूँ। मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे सभी चीज़ें जो पूजा में चढ़नी थी वो सब चीज़ मैंने निकाल दिया है, मैंने दिया से थाली भी सजा दिया है और ये भगवान का जो स्थान है उसे भी मैंने अच्छे से कलर वाले कागज़ से चिपका दिया है और ये हमारी पूजा जो है वो हो चुकी है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, कितना अच्छा लगता है ना दिया जब एक साथ जलता है। तो बस हमारी पूजा कम्प्लीटेड है और अब हम दिए को जो है वो जहाँ हैप्पी दिवाली एवरीवन, और ये मैं बहुत देर बाद बोल रही हूँ इसके लिए आई एम सो सॉरी। यहाँ बगल में जगराता शायद है कि पता नहीं क्या है, सुबह सुबह मतलब 7 बजे से एकदम डीजे गाना चल रहा है, अभी भी आपको आवाज़ आ रहा होगा, मतलब अभी जस्ट बंद हो गया तो मैंने सोचा कुछ रिकॉर्ड कर लूँ बट फिर स्टार्ट हो गया, तो कॉपी राइट आने का चांस है इसलिए मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को। मैंने बस पूजा कर लिया, लास्ट स्टेज आपको दिखा दिया, क्या दिखाऊँ मतलब ऐसे बोल के दिखाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है बट क्या कर सकते हैं। तो मैंने साड़ी पहन ली, रिपीट साड़ी है आप लोगों को पता ही होगा जो उनको मेरे ब्लॉग देखते हैं, और मैंने एक पिन पे साड़ी लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरा ये हमेशा का है मैं साड़ी पहनूँ या फिर हेयर मतलब बाल को खुला अगर रखती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, जबकि गर्मी है नहीं मतलब ठीक है मौसम, बट अभी दिया जल रहा है तो फैन भी बंद ही है, तो बस ऐसा चल रहा है कुछ दिवाली। आई एम सो सॉरी मैं दिवाली में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो ठीक है अभी फिर गाने स्टार्ट हो गए इससे पहले कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो मैं अभी रखती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी और बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो देखते हैं और कुछ दिखा पाती हूँ कि अब ये म्यूज़िक के आगे कुछ नहीं, तो ठीक छोड़ने का श्री गणेश किया जाए, नहीं तो ये तो गाना बजते रहेगा और कुछ हो नहीं पाएगा। कहाँ गया, यहाँ रखते हैं, ठीक है अच्छा, रोशनी में नहाया हुआ है पूरा शहर एकदम, है ना, मतलब जहाँ तक नजर जा रही है आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट देखने को मिलेगी, और ऊपर एकदम पटाखा भी छूट रहा है, अभी फूटेगा तो दिखाऊंगी मैं। ये हमारे बालकनी का व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मस्त, वाह। तुलसी जी लोगों को भी दिया जाता है ऐसा नहीं है।
अभी मैं कर रही हूँ डिनर। डिनर में बना था पूरी सब्जी और खीर, और सारा दिवाली का पटाखा जो है वो तो मैं नहीं फोड़ पाई, एक्स्ट्रा पटाखा बच गया तो मैंने ला के रख दिया, बट मैंने बहुत सारे पटाखे फोड़े और बहुत मज़ा आया। और पटाखा फोड़ने तक तो मैंने साड़ी पहना था, बट उसके बाद मैंने साड़ी खोल दिया। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, मैं साड़ी में उतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं रह पाती हूँ एनी टाइम, इसलिए मैंने साड़ी को खोल दिया और अभी मैं अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ। तो होपफुली आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी, और बस अच्छी बीतनी चाहिए, मेरी भी अच्छी बीती। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, और वीडियो चैनल को लाइक क्या मैं बोल रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। और बस इसी शुभकामना के साथ कि लक्ष्मी माता सबके घर में अच्छे से विराजमान रहे, पूरे साल खुशी खुशहाल से रहे, मैं इस ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ और अपना खाना एंजॉय करती हूँ, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वंस अगेन हैप्पी।